हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकांक्षा मिश्रा। वेलकम बैक माय स्टडी चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, ये है हमारा आज का टॉपिक। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बताया था, क्योंकि वो ऑडिट को प्रिपेयर करने के पहले ही बनाया जाता है, तो वो हमारे आगे आने वाले पॉइंट में कवर करेंगे। सबसे पहले हमें ऑडिट करने से पहले भी हमें कुछ काम करने पड़ते हैं, और फिर ऑडिट करते वक्त सारी जो प्रोसीजर होती हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो ऑडिट करने से पहले अगर किसी कंपनी में मान लो इन फ्यूचर कोई कॉमर्स स्टूडेंट ऑडिटर बन के गया, तो उससे पहले ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि कंपनी का जो स्कोप ऑफ वर्क है कितना है, यानी कि ऑडिट वो उसको कितना काम करना पड़ेगा, ये जानने के लिए उसे कंपनी का बिज़नेस का कितना एरिया मतलब कवर करता है वो बिज़नेस, ये जानना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है, द स्कोप ऑफ वर्क टू बी डिटरमाइंड। द स्कोप ऑफ वर्क विल डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन हिम एंड हिज क्लाइंट, यानी कि ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का कंपनी है, या सोल ट्रेडर है, या जॉइंट स्टॉक मतलब पार्टनरशिप फर्म है, उस पर डिपेंड करता है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उनसे एग्रीमेंट साइन करा के, सोल ट्रेडर है तो उनसे भी एग्रीमेंट साइन करा के रिटेन में सारे अपनी मतलब उनसे पूछ के उनके हिसाब से करना पड़ेगा। बट इनकेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो ऑडिटर की ड्यूटी है, ऑडिटर के जो भी काम है, वो सारे डिफाइन होते हैं कंपनी एक्ट 2013 में, तो उसमें क्या बोलते हैं, रिटन कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कुछ एडिशनल ड्यूटी हैं जिस पे उसके ड्यूटी पे कुछ अगर लिमिटेशन लगाई है कंपनी ने, तो उसे वो अपनी ऑडिट नोटबुक में नोट कर लेगा जो जो बातें उसे एसेंशियल लगेंगी, और वो आगे चल के ऑडिट करते वक्त काम आएंगी, वो उसे अपनी ऑडिट नोटबुक में लिख लेगा कि हाँ मेरी ये ड्यूटी नहीं है, मुझे यहीं तक काम करना है, क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है। फिर सेकंड पॉइंट हमारा आता है नॉलेज अबाउट दी बिज़नेस। अब हमें बिज़नेस को भी समझना है कि हम किसकी ऑडिट करने जा रहे हैं, उस बिज़नेस के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हम बिज़नेस के अंदर ये देखेंगे कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसी हैं, राइट। ही शुड गो थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशन विच मेक द बिजनेस इन क्वेश्चन रन, राइट। लाइक उसका MOA, AOA, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो MOA, AOA पे भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पहले उसे चेक कर लीजिए, और जिसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, और जिसे क्लियर है वो आगे इसे देख सकते हैं। तो कंपनी के सारे इन डॉक्यूमेंट को भी थॉरली देखना चाहिए। देन उसके बाद हमें कंपनी कौन सा अकाउंट मेंटेन करती है, मतलब किस टाइप का अकाउंट मेंटेन करती है, कौन सा मेथड फॉलो करती है, उसे एग्जामिन करना चाहिए। और जितनी भी उसने लिस्ट ऑफ बुक्स मेंटेन की है उसे मांगना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए कि कौन से रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल हैं जो इसकी ज़िम्मेदारी लिए हैं फाइनल अकाउंट बनाने की, या क्या क्या ब्रांच के वर्क हैं, जो भी वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से देख लेना, ताकि ऑडिट करते वक्त परेशानी ना हो। और फिर ये भी देखना कि जो इंटरनल चेक है, इंटरनल चेक सिस्टम है कंपनी का, वो कैसा है, अच्छा है कि नहीं, क्योंकि अगर इंटरनल चेक सिस्टम ख़राब हुआ तो ऑडिटर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट अगर इंटरनल चेक अच्छा है तो ऑडिटर को ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना पड़ता, लेकिन उसे चेक कम एज़ कम्पेयर टू मतलब कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके कुछ काम थोड़े कम हो जाते हैं। तो बिज़नेस के बारे में अच्छे तरीके से जानना, और फिर हम देखते हैं कि टेक्निकल डिटेल जो भी बिज़नेस में हो, टेक्निकल डिटेल्स वो भी पता कर लेनी चाहिए कि हाँ ये कंपनी जैसे किस टाइप के काम करती हैं। और लास्ट में हमें ये भी देख लेना चाहिए कि कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसा है, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की, और उसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, और अगर है तो जो पिछले साल का जो ऑडिटर ऑडिट हुआ था उसमें रिपोर्ट में मतलब कैसा रिपोर्ट है कंपनी के बारे में, वो भी सारी चीज़ें चेक करके तब ऑडिट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। पहले हमने स्कोप ऑफ वर्क डिटरमाइन किया, फिर बिज़नेस के बारे में सारे नॉलेज गैदर किए, अब हम क्लाइंट को सारे इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराइए, ताकि हम रेडी हो सके ऑडिट प्रोसीजर स्टार्ट करने में। सबसे पहले हम उनसे क्या क्या मांगेंगे, द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी टोटल्ड अप, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट शुड बी केप्ट रेडी, जितने भी ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। वाउचर सीरियली अरेंज्ड होने चाहिए लाइन बाय लाइन, डेट वाइज, डेटर और क्रेडिटर की सारी स्केड्यूल प्रिपेयर होनी चाहिए,
कितने डेटर हैं कंपनी के, कितने क्रेडिटर हैं, किनसे लेना है, किनको देना है, कितने लोग बैड डेट हैं, सारी उनकी जानकारी लेनी है, और कंपनी के पास कितने प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउट स्टैंडिंग इनकम लायबिलिटी जो भी हैं, मतलब पूरी तरीके से कंपनी के बारे में जितने भी पैसे जहाँ जहाँ से आने हैं, पैसे जहाँ जहाँ से जाने हैं, सारी मतलब कंपनी के सारी नॉलेज गैदर कर लेनी है, क्लाइंट से क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कर देना है कि हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से दे दीजिए, जिसमें इंक्लूड होता है स्टॉक सीट, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वो करते हैं कंपनी का, स्टॉक का वैल्यू करते हैं तो कौन से मेथड पे करते हैं वो भी पता करना, और अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस पे, ये भी पता करना, अगर कोई गुड्स रिटर्न हो रही है एजेंट से, ब्रांचेस से, जहाँ भी कंपनी की ब्रांचेस होंगी, या ऑनलाइन कर रहा है तो जो भी एजेंट होंगे तो उनसे जो भी गुड्स रिटर्न में आ रहा है उनकी जानकारी लेना, क्योंकि उसमें भी फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की सारी डिटेल, इस तरीके से वो सारी डिटेल ले लेता है क्लाइंट से, और उसके बाद प्रिपेयर करता है अपना मतलब ऑडिट का काम शुरू करता है, जिसमें सबसे पहले वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने जूनियर स्टाफ में, यानी कि वो उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग देके, मतलब उसी के हिसाब से वर्क डिवाइड करके और अपना काम शुरू करता है, और फिर ऑडिट प्रोग्राम बनाता है। ऑडिट प्रोग्राम मैंने पिछले वीडियो में भी कवर कर ही लिया है, तो उसे भी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे देखना मत भूलना, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये वीडियो पिछले वीडियो से रिलेटेड है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।